तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो हमारा साथ देना छोड़ देता है। तो ऐसे में हम ऐसी कौन सी आदतों को अपनाएं जिससे कि हमारी बढ़ती उम्र के साथ भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सके। तो जो टिप नंबर 1 है वो है आपकी फिजिकल हेल्थ का साथ। तो ऐसे रिसर्च में ऐसे बहुत सारे जो साइंटिफिक एविडेंसेस में पाया गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो फिजिकली एक्टिव होते हैं, उनका मसल मास भी अच्छा होता है बढ़ती एज के साथ। तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो भी अगर हफ्ते में अगर आप 3-4 दिन भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी काफी होता है। लेकिन हाँ, एक बात का आप और ध्यान दीजिए कि बहुत ज्यादा पतला होना वो भी अनहेल्दी होता है। जो लोग बहुत ज्यादा पतले होते हैं बढ़ती उम्र के साथ उनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है और वो फ्रैक्चर के भी बहुत रिस्क में होते हैं। तो एक जो प्रॉपर BMI मेंटेन करना बढ़ती उम्र के साथ ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे आप अचीव कर सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइजेस के साथ। अगली जो टिप है वो है हेल्दी ईटिंग। तो एक अच्छे खाने, एक अच्छे हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाने से ही आपका शरीर स्वस्थ बन सकता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस की ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में आपका जो हेल्दी फूड है वो ही बॉडी की ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती है उन्हें पूरा कर सकता है। तो अगर आपने अभी भी अगर आप अनहेल्दी खाना खाते हैं और अगर अभी भी आप अनहेल्दी से हेल्दी फूड में स्विच करते हैं तो भी आपकी हेल्दी एजिंग हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी जो डाइट है उसमें ज्यादा से ज्यादा लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इंक्लूड करें। अगर आपको बाहर खाना खाने का ज्यादा शौक है तो भी अगर आप बाहर के खाने में देखें वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ हेल्दी चीजें मिल जाएंगी। तो जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं आप ये चीज देखा कीजिए कि आपको जो मेन्यू है उसमें क्या सबसे ज्यादा जो हेल्दी चीज है क्या आपको मिल सकती है, आप उसको ही लेने की कोशिश कीजिए। अगली जो टिप है वो है बेटर स्लीप, यानी कि एक अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक हेल्दी एजिंग के लिए। अगर आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं या अगर आप फिजिकल एक्टिव भी हैं लेकिन अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर आप नहीं सो पाते हैं रात को 6 से 8 घंटे, तो वो आपकी हेल्थ पे जरूर इफेक्ट करेगा और उम्र बढ़ने के साथ ही आपकी हेल्थ पे वो जरूर अपने इफेक्ट शो करेगा। एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि जो लोग 50 से 60 साल की उम्र के बीच के थे, जो लोग 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते थे, जिनकी नींद नहीं होती थी 6 से 8 घंटे की, वो लोग डिमेंशिया के रिस्क पे ज्यादा थे एज कम्पेयर टू वो लोग जो लोग प्रॉपर नींद लेते थे, 6 से 8 घंटे की नींद इनको मिलती थी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान दें। तो अगर आपको नींद नहीं आती 6 से 8 घंटे की, अगर आप नींद नहीं ले पाते तो आप योगा और मेडिटेशन का आप सहारा ले सकते हैं। अगली जो टिप है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी। तो जो स्मोकिंग और अल्कोहल होता है ये आपको वक्त के पहले ही बूढ़ा बना देता है। आपकी बॉडी में ये बहुत सारे चेंजेस करता है, बहुत सारे बैड इफेक्ट्स होते हैं इनकी आपकी बॉडी में। आपको कोई पॉजिटिव इफेक्ट इसका आपकी बॉडी में देखने को नहीं मिलेगा। आपकी बॉडी लिवर कैंसर और हार्ट डिसीजेज और स्किन डिसीजेज ऐसी बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं इसके रिस्क पे होती है अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से। तो अगर आप हेल्दी एजिंग चाहते हैं तो स्मोकिंग और अल्कोहल को आज ही ना कर दें। जो अगली टिप है वो है आपकी मेंटल हेल्थ। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा, जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जो बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, वो डिप्रेशन के रिस्क पे रहते हैं। और बढ़ती एज के साथ डिप्रेशन होना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होता है और इससे आपकी लाइफ भी कम हो सकती है। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपका आपका सोशल सर्कल नहीं है या बहुत ज्यादा लोनलीनेस उसमें रहते हैं, तो आपको इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको आपका जो सोशल सर्कल है वो बढ़ाना चाहिए। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको लोनलीनेस ना फील हो, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस है और अगर आपको लोनलीनेस है तो आप डेफिनेटली डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान दें। तो अगले जो टिप है वो है रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सबसे बचने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है आपका रेगुलर चेकअप।
अगर आपको रेगुलर चेकअप होता रहेगा, अगर आप अपना ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर या जो आपका थायराइड है और जो बाकी जो फुल बॉडी चेकअप से अगर आप कराते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी बॉडी में सारे फंक्शंस ठीक तरीके से हो रहे हैं कि नहीं। और अगर कहीं भी कोई भी डिफेक्ट आ रहा है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगी। आपके डॉक्टर आपको उसी वक्त मेडिकेशन दे देंगे और वो प्रॉब्लम वहीं पर ही सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो अगर आप रेगुलर चेकअप नहीं कराएंगे तो आपको आपके अंदर की बीमारी का पता तब तक नहीं लगेगा जब तक आपकी बॉडी कोई सिम्टम्स नहीं देगी। और जब आपकी बॉडी सिम्टम्स देगी तब हो सकता है कि तब तक बीमारी थोड़ी सी बढ़ जाए और आपको आगे ज्यादा परेशानी हो। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हेल्थी एजिंग कोई बहुत ही मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही बेसिक से टिप्स हैं। अगर आप ये बेसिक टिप्स अपनाएंगे तो जरूर आप बढ़ती उम्र में भी एक अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।